जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्या बात होगी, वैसे आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको अब तक ये पता चल ही गया होगा कि लोन डिफॉल्ट के मामले में कंपनी का जो विवाद है वो एनसीएलटी में चल रहा है। ये एनसीएलटी क्या होता है? एनसीएलटी एक कोर्ट होती है जो बेसिकली कंपनियों के विवादों के निपटारों के लिए होती है, खासकर वैसे विवाद जो लोन डिफॉल्ट के मामले में आते हैं। तो एनसीएलटी में, एनसीएलटी का एक ब्रांच है हैदराबाद में, उसी ब्रांच में इस कंपनी का विवाद चल रहा है। और अब इस खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि इस कंपनी को अब जो आईआरपी प्रोसेस होता है, इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस, ये नीलामी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना होगा क्योंकि कंपनी लोन चुकाने में असमर्थ रही है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, आपका इसमें पैसा लगा हुआ है, तो आपको क्यों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने हिसाब से कुछ तैयारियां कर ली है। उस तैयारी के मुताबिक कंपनी को नीलामी की प्रक्रिया से शायद न गुजरना पड़े और कंपनी जो अपने का डेब्ट है उस डेब्ट को धीरे धीरे करके इजिली आप चुका देगी। और जब डेब्ट चुका देगी तो फिर जाहिर सी बात है कि समस्या ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए कंपनी ने कुछ ऑफिसर्स भी नियुक्त किए हैं, तो हम लोग आगे सारी बातों को इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड्स का ये आर्टिकल है, इसमें पढ़े कि जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी फेसेस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग ऑन लोन डिफॉल्ट। बेसिकली ये कंप्लायंस इशू का मामला है लोन को नहीं चुकाने के लिए, इसको अब इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा जीवीके पावर को। तो पूरा मामला क्या है इसको समझने के लिए जब आप नीचे आएंगे तो आपको आसान भाषा में मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। दरअसल ये मामला है 2022 का। 2022 में क्या हुआ कि जो आईसीआईसी बैंक, बेसिकली वही यहाँ पे लेंडर है जिसने इस कंपनी को लोन दिया था, तो आईसीआईसी द्वारा साल 2022 में जो हैदराबाद का एनसीएलटी ब्रांच है उसमें एक पिटीशन फाइल किया गया इस बात को लेकर कंपनी लोन नहीं चुका रही है, जिस पर एनसीएलटी के जो हैदराबाद का ब्रांच है उस हैदराबाद के ब्रांच ने ये फैसला सुनाया। और ये देखिए, ये फैसला आया है अभी 12 जुलाई 2024 में फैसला आया है। हालांकि जब जुलाई में फैसला आया तब ये बात सामने निकल नहीं आई, सामने ये बात निकल कर आई है अगस्त मंथ में, अभी जो मंथ चल रहा है इस मंथ में, इस अगस्त मंथ में इस फैसले को पब्लिक किया गया। तो इसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था, यहाँ पर भी देखेंगे 12 जुलाई को फैसला आया था ये एनसीएलटी की तरफ से, जिसने इस ऑर्डर में कहा गया था कि अब कंपनी को इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन यानी कि आईआरपी के प्रक्रिया से गुजरना होगा, इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। और जब से ये बात निकलकर सामने आई तब से ये जाहिर सी बात है जो उसके निवेशक है उसमें हड़बड़ी और खलबली तो मचेगी ही। और इस ऑर्डर में ये भी निकल कर सामने आया कि चूंकि कंपनी लेंडर्स का पैसा चुकाने में असमर्थ है और इस वजह से जो इसके ऊपर है प्रक्रिया चलाई जाए, आईआरपी की प्रक्रिया चलाई जाए। सबसे इस प्रक्रिया में जो मजेदार बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो ओरिजिनल कंपनी है जीवीके पावर, और यहाँ पे इसका स्पष्ट नाम देखिए जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जिसको शॉर्टकट में जीवीके पीआईएल के नाम से जानते हैं, इसने लोन नहीं लिया था बल्कि ये सिर्फ एक गारंटर है। ओरिजिनल जो लोन लिया गया था जेपी ग्रुप की एक और कंपनी है जीवीके गोल्ड डेवलपर्स के नाम से, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इसने साल 2012 में तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ कहने का मतलब हुआ तकरीबन तकरीबन आप मान लीजिए 1.5 अरब से ज्यादा का ये रुपए होता है, 1.5 अरब से प्लस ये हो जाएगा 18,000 करोड़, इतने रुपए का इस कंपनी ने लोन लिया था और इसमें जीवीके पावर को इसने गारंटर बनाया था। अब होता क्या है कि याद आप यदि किसी व्यक्ति के गारंटर बन रहे हैं और वो व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो जाहिर सी बात है पुलिस आपको ही पकड़ेगी। तो यही पेच फंसा है इस कंपनी के साथ, जीवीके पावर के साथ। जीवीके पावर के ऊपर 18,000 करोड़ का कर्जा रही, आप देखेंगे तो इसके ऊपर कर्जा है लेकिन बहुत कम कर्जा, 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास है, जो ये चाहे तो जल्दी चुका सकते हैं अपने असेट्स को बेच के, लेकिन मेन कर्जा इसके द्वारा लिया गया था और इसने इसको गारंटर बनाया था, जिस वजह से अभी ये समस्या खड़ा हुई है। और इसने लोन कब लिया था पता है? ये लोन लिया था इसने साल 2012 में, 2012 का ये मामला है और 2022 में ये 2022 से ये विवाद निकलकर सामने आया है। हालांकि 2017 में भी एक बार जो जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है ये, चूंकि 2012 का लोन है, 2017 में भी ये मैटर निकलकर सामने आया था वाला, लेकिन 2017 में अभी सब ठीक हो गया था, फिर 2022 में निकलकर सामने आया जिसका फैसला अभी जुलाई 2024 में कंपनी ने, जो एनसीएलटी का ब्रांच है, इसने अभी सुनाया है 12 जुलाई को। तो अब समझिए अब आगे क्या हो सकता है। आगे ये होने वाला है कि ये कंपनी है जीवीके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को, इसने इस आईआरपी को, आईआरपी प्रोसेस से कंपनी न गुजरे इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर नियुक्त किया है जिसका नाम है सतीश कुमार गुप्ता। अभी सतीश कुमार गुप्ता यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके
इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इस तरह के मामलों को हैंडल करने का। तो इनको नियुक्त किया गया है कि इस प्रक्रिया से आप इस कंपनी को बचाने में अपना योगदान दीजिए। और दूसरा, मान लीजिए यदि IRP की प्रक्रिया से कंपनी गुजरती है, जीवीके पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो इस कंपनी का नाम है, तो इसमें क्या हो सकता है, नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। तो नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी तो कंपनी के पास देखा जाएगा पहले एसेट्स कितना है और असेट्स कितना है, उसके अलावा कंपनी के पास रिजर्व फ्लो कितना है। इन सारी चीज़ों को अगर ठीक ठाक है तो कंपनी इससे बेच के अपना कर्जा चुका देगी, चूंकि गारंटर बनी है तो। और दूसरी बात, मान लीजिए यदि इससे भी नहीं होता तो जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जैसे आपको पता है कि इस कंपनी में ठीक ठाक मात्रा में प्रमोटर्स हैं, तकरीबन 40-45% के आसपास कंपनी में इनके शेयर्स, तो प्रमोटर्स अपना शेयर्स बेच के भी इजीली ये कर्ज को चुका सकते हैं। हालांकि अब रही बात, चूंकि ये सब निगेटिव न्यूज है तो जिसकी वजह से स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा था, मैं आपको यहीं पर लेके चलता हूँ जीवीके पावर के चार्ट पर। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे इस कंपनी के जो शेयर पैटर्न होता है, तो यहाँ पे कितना तेज गिरावट जब ये बात निकल कर सामने आई जुलाई में, उसने बताया जुलाई में ये बात सामने निकल कर आई थी। हालांकि अगस्त में ये पूर्ण रूप से पब्लिक हुआ था अपडेट, लेकिन न्यूज तो जुलाई में ही आ गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद बहुत तेजी से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि सेबी ने लगा कि ऐसे नहीं होगा, तो इसने सिर्फ 2% का इसमें लगा दिया कि 2% का ही सिर्फ गिरावट देखने को मिलेगा। तो अब जो गिरावट हो रहा है ये धीरे धीरे गिरावट हो रहा है और प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर तरफ बढ़ते हुए भी आपको दिख रहा है, क्योंकि ऑफिसर्स नियुक्त हो गए हैं और ज्यादा जरूरत पड़ी तो जैसे मैंने बताया प्रमोटर्स के पास इसमें हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच के इसमें से, यहाँ पे देखिए तकरीबन 55% के आसपास हिस्सेदारी है, ये इजिली इस डेट को चुका देंगे। हालांकि मान लीजिए यदि प्रमोटर्स के बेचने के बाद भी और कंपनी की जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं उनको बेचने के बाद भी, लायबिलिटी तो नहीं खैर एसेट्स को बेचने के बाद भी यदि कंपनी डेट नहीं चुका पाती है, तब इसके बाद इस कंपनी को नीलामी प्रक्रिया से गुजरना होगा। और नीलामी प्रक्रिया से गुजरना भी होगा तो इसने बताया कि सतीश कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया इस प्रक्रिया से उबारने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को बचा लेंगे, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें समर्थ हैं, मतलब वो इस काम को करने में। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपका देखिए उतार चढ़ाव होते रहता है शेयर मार्केट में, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप बेशक बने रहिए और देखिए आगे क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी इसको एक्वायर कर लेती है IRP के बाद भी, तो वो इसको बचा लेगी, और एक्वायर होने के बाद जिस भी जो भी कंपनी इसको एक्वायर कर, जाहिर सी बात है इसके जो निवेशक उनका ख्याल तो रखेगी। तो इससे रिलेटेड मन में और भी कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया, हैव ए नाइस डे।